मुंबई थाने के कलवा इलाके में स्कैप यार्ड में लगी भयंकर आग। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौजूद। मुंबई में मानसून से जलभराव रोकने के लिए 441 डिवाटरिंग पंप। वहीं मुंबई में रिश्तेदार से उधार ली, घर बेचकर लगाए पैसा। शेयर बाजार में मोटे मुनाफे का लालच देकर डॉक्टर से 80 लाख रुपए ऐंठे। मुंबई के नाहर स्टेशन पर मुंबई की लोकल ट्रेन से गिरी महिला पुलिसकर्मी, हुई मौत। आप सभी लोग जरा साधारण रहे। वहीं मुंबई के लोग के लिए अच्छी खबर, पानी की कटौती का फैसला हुआ रद्द, पूरी तरह से 100% पानी आएगा। मुंबई से कोल्हापुर रूट पर जल्द ही वंदे भारत शुरू होने की संभावना है, तो एक अच्छी खबर सामने आ रही है। बीएमसी ने मन वर्सोवा ब्रिज के लिए 1800 करोड़ का टेंडर निकाला, जल्द होगा पूरा काम। वहीं मुंबई में धोखाधड़ी का मामला, महिला ने आरबीआई अधिकारी बनकर धोखाधड़ी की, रिश्तेदार से ठगे 96 लाख रुपए। मुंबई के गांव देवी इलाके में एसएससी के छात्र ने अपने घर पर आत्महत्या कर ली, क्या है कारण, पुलिस छानबीन कर रही है। मुंबई के लोगों के लिए एक और अच्छी खबर, मुंबई के कुर्ला और बांद्रा के बीच चलेगी पॉट टैक्सी। भारत का विकास सिर्फ सरकार की महत्वाकांक्षी से नहीं बल्कि नागरिकों के विश्वास से हो सकता है, मुंबई आए बोले अमित शाह। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर ट्रक और ट्रेलर की टक्कर में 2 लोगों की हुई मौत, तो गाड़ी चलाते वक्त आप सभी लोग सावधानी बरतें। बीएमसी का फिर दावा, मानसून के दौरान मुंबई में नहीं होगा जलभराव, बीएमसी ने कर ली है पूरी तैयारी, देखते हैं बारिश में क्या होता है। सांसद नवनीत राणा को मिली जान से मारने की धमकी, पीएम मोदी शाह और संघ प्रमुख के खिलाफ भी टिप्पणी। वहीं अभी भी मुंबई के बांद्रा इलाके में बिल्डिंग की 14वीं मंजिल पर लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां। वहीं महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव जल्द होने वाला है, संजय राउत बोले जल्द होगा महाविकास अघाड़ी के सहयोगी दलों सीटों का समझौता। 50,000 का लोन देकर ब्लैकमेल किया और फिर 14 लाख रुपए ठगे, मुंबई से 3 जालसाज गिरफ्तार, तो मुंबई में ठगी का मामला कुछ बढ़ गया है ज्यादा ही, आप सभी लोग सावधान रहें। फ्लाइट लेट कराने के लिए दी बम की धमकी, मुंबई पुलिस ने बेंगलुरु के आरोपी को किया गिरफ्तार। कांग्रेस शासन में महंगाई दोहरे अंक में पहुंची, अमित शाह ने कहा हमारी सरकार ने इसे 5% से नीचे रखा, तो क्या ये बात सही है, कमेंट करके जरूर बताना। वहीं मुंबई महाराष्ट्र में 850,000 बैंक कर्मचारियों को होली से पहले मिलेगी बड़ी सौगात, महाशिवरात्रि पर वेतन बढ़ोतरी का होगा ऐलान। अम्मी बच्ची सब शिकार, 5 साल तक 7 लड़कियों का रेप करता रहा मौलवी मेहदी कासिम, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाई उम्र कैद सजा। भाजपा 32 सिंधे 10 और अजीत गुट को 3 सीटें, महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर इस फार्मूले पर बनी सहमति। आप देख रहे हैं इस वक्त की ताजा खबर, मुंबई महाराष्ट्र की सभी ताजा खबरें से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एसपी अपडेट। थैंक यू।